फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल बिजनेस व्लॉग्स में। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है नॉन वुवन बैग मशीन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कंपनी में बात की है और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो जो नॉन वुवन बैग्स की मशीन होती है वो दो तरह की होती है। एक आपकी होती है सेमी ऑटोमेटिक बैग मशीन और दूसरी आती है आपकी फुली ऑटोमेटिक नॉन वुवन बैग मशीन। तो जो सेमी ऑटोमेटिक होती है आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक का थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा जाता है तो बहुत लोग प्रेफर नहीं कर पाते हैं उस मशीन को परचेज़ करना। तो इसलिए मैं आज आपको सेमी ऑटोमेटिक के बारे में बताने वाली हूँ। सेमी ऑटोमेटिक में बेसिकली आपको तीन तरह की मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, तीन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं फैब्रिक कटर, इसको बोलते हैं। इसमें आपने जैसे भी थोड़ा वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि इसमें किस तरीके से आपको फैब्रिक का पहले वो, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि वो पहले आपके किस साइज़ का कट करना है वो आपका साइज़ इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं। देन उसके बाद वो इस तरीके से आपको फैब्रिक कटर के हेल्प से जो है वो फैब्रिक आपके कट करते हैं, जिस तरीके से टेलर उसको मेजर करके करता है। देन इस तरीके से आप जो है वो अल्ट्रासोनिक सीलिंग मशीन की हेल्प से जो है वो इसको आप सील कर सकते हैं, जो इसके साइड के जो पार्ट्स होते हैं, जो साइड गजट्स होते हैं आपके, उसको आपको जो है वो आप सील कर सकते हैं, उसको साइड गजट बना सकते हैं। इसमें आपको बॉटम गजट बना सकते हैं या इस तरीके से आप डी कट बैक करके आप अपना साइड गजट बना सकते हैं, उसमें सीलिंग कर सकते हैं साइड की। देन आप इस तरीके से देख सकते हैं इस मशीन में किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है। बाकी मशीन की वैसे मैं आपको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगी, फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज लेनी है तो आप एक बार जो आपको नंबर शो कर रहा है डिस्प्ले पे, एक बार उस पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, तो वो आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। नेक्स्ट आपकी ये मशीन आती है, इसको हम नॉन वुवन पंचिंग मशीन बोलते हैं, जिसमें इस तरीके से आपके किस साइज़ का, मतलब किस शेप का आपको बैग बनाना है, लाइक इस तरीके से डब्लू कट का या डी कट का, तो वो आपको शेप देता है, उसके अकॉर्डिंग आपका वो कट आप करके इसमें उसकी डाई लगाकर आप उसकी बैग रेडी कर देते हैं और ये आपका सील करने के लिए बैग रेडी हो जाता है। तो इस मशीन को परचेज़ करके आप इजीली जो है वो दिन का 5 से 6 हज़ार अर्न कर सकते हैं। अच्छा इसका मार्जिन होता है क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी बैन हो चुका है और प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी नहीं है। तो इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करना, और वीडियो पसंद आई